बॉडी जिसका मास है 4 kg, इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्ट टू अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ द सेकेंड। तो देखो एक बॉडी रेस्ट पे है तो यू इज इक्वल टू 0, और इस केस में 16 न्यूटन की मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। 10 सेकंड के बाद मुझे क्या निकालनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, 4 kg का मास है तो 10 सेकंड के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालने का मतलब क्या निकालनी है, यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगी तभी तो क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं और टाइम कितना है 10, तो अगर मैं एक्सेलरेशन बता दूं तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी बता दूं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, फोर्स कितनी है 16, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 4, पुट कर देना 4 आंसर, तो यहाँ से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक आ गया आंसर। नेक्स्ट इसे नहीं करेंगे, इसे करेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मैंने आपको फॉर्मूला करवाया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन, क्या करवाया, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, चेक करो, चेक करो, क्वेश्चन है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट विल बी द चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। एक तरीका तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद है प्रोजेक्टाइल में क्या करते थे, कैसे, एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर बाय 2m, एरर का रूल याद है, एरर्स तो क्या होता था, डेल्टा ई बाय ई इज 2 इंटू डेल्टा पी बाय पी, मास कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट में एरर नहीं आते, छोड़ दो। फिर मैं क्या करता था, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो डेल्टा पी बाय पी इंटू 100, तो क्या कह रहे हैं, लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय 20%, तो ये क्या गिवन है, 20%, यहाँ पे 2 भी आएगा इंटू 2, 20%, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 40% अप्रॉक्सीमेटली, जब एरर का रूल लगता था तो साथ में ये भी बोलता था अंदाजे से आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये मेथड 4% का तो बहुत एरर है, 4% ये एरर्स, ये ऑब्जेक्टिव में तो चलता है, सब्जेक्टिव में मत लगाना ये मेथड, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल तरीका, एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m, पी क्या होता है, 2 इंटू एम इंटू ई, क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 20%, यानी पी टू माइनस पी वन बाय पी वन इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, 20%, यही गिवन है मुझे, ठीक है ना, यहाँ तक ऐसे बोलते ना, परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम यही है। अब पी एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2me, तो यहाँ पे पुट करेंगे अंडर रूट ऑफ 2m इंटू E2, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू E1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m इंटू E1 इंटू 100, ठीक है यहाँ तक। तो ये मुझे क्या करना है, ये मुझे निकालना है, ऐसे करना पड़ेगा, या सॉरी इसमें
मैं उल्टा गलत लिख गया, मुझे परसेंटेज चेंज इन एनर्जी निकालना है, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मुझे ये निकालना है, मैं उल्टा लिख गया, ये निकालना है, राइट, ये निकालना है, हाँ परसेंटेज चेंज इन एनर्जी निकालनी है, ये निकालना है, तो ई टू माइनस ई वन डिवाइडेड बाई ई वन निकालना है। तो एनर्जी को किस फॉर्म में लिखेंगे, मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ से एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में लिखें और जरा आंसर निकाल लें। और एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर बाय टू एम, तो पी इज इक्वल टू टू एम इन टू एनर्जी का अंडर रूट। यहाँ से एक बार चेक करें प्लीज, चेक करें, वो आपको निकालना है, आपके से मोमेंटम का परसेंटेज गिवन है। नहीं आया समझ, अच्छा ठीक है, देखो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज 20%, ठीक है, सिंपल वर्ड में अगर मोमेंटम पी है इनिशियल तो नया मोमेंटम कितना होगा, पी प्लस 20% ऑफ पी, ये समझ में आता है, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120p/100, ये समझ में आता है, ओके ये आपका इनिशियल मोमेंटम ले लें p1, ये आपका फाइनल मोमेंटम ले लें p2, ये क्लियर है, सही है, कोई डाउट इसमें। जब मोमेंटम p है तो एनर्जी e कितनी है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m e1 आ गया, ये ठीक है। जब मोमेंटम इतने है, इसको डिवाइड करके P2 कितना आ रहा है, 6/5p, यही आ रहा है। तो एनर्जी कितनी है, P स्क्वायर यानी कि 6/5p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब ठीक है, नया मोमेंटम पुराना मोमेंटम, नई एनर्जी पुरानी एनर्जी, राइट, तो कैलकुलेट कर लोगे E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E1 इनटू 100, E2 पता है E1 पता है, पुट करके आंसर। अब ठीक है, ये आसान तरीका है, कोई डाउट इसमें, मोमेंटम के हिसाब से एनर्जी निकाल लो, फिर परसेंटेज चेंज एनर्जी निकाल लो, ये आसान मेथड है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करना, अगला क्वेश्चन ट्राई करना, मोमेंटम वाला ही है, एनर्जी ओ दी है, प्रिंट प्रिंट दी है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 300 पर, अब उल्टा हो गया, पहले मोमेंटम बढ़ा रहा था, अब क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कह रहा है बढ़ा रहा है, तो क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको 1 रुपया दूं और इन्वेस्ट करने के लिए, आप मुझे 100% प्रॉफिट दोगे तो मुझे वापस कितने दोगे,
ओए 1 रुपया, 1 रुपया और 2 रुपये डबल करके दोगे यार, 1 रुपया दो, हाँ 1 रुपया एक्स्ट्रा दोगे, अच्छा ठीक है ओके मान गए, तो आप मुझे 2 रुपये दोगे है ना वापस में, ओके। अच्छा अगर मैं कहूँगा 200% प्रॉफिट हो गया, तो 1 रुपया दिया था, अब कितने हो गए मेरे पैसे, 3 रुपये हो गए। अच्छा प्रॉफिट कितना हो गया, 300% हो गया, 1 रुपये के कितने बन गए, 4 रुपये, 3 कैसे बने। जब 1 रुपये के 2 रुपये बनते हैं 100% प्रॉफिट है, 1 रुपये के 3 रुपये बनते हैं तो 200% प्रॉफिट है, 1 रुपये के 4 रुपये बनते हैं तो 300% प्रॉफिट है, ऐसे होता है ना। तो वही तो वो कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज बाय 300%। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले एनर्जी ई, अब एनर्जी कितनी है, 4E, 4 गुना ज़्यादा हो गई, तभी तो 300% प्रॉफिट है, करके देख लो। ये देखो ये चेंज इन एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी इनटू 100, चेक करो इसका आंसर कितना आ रहा है, 300, सही है ना इसका मतलब, क्लियर है यहाँ तक। तो यानी कि एनर्जी की वैल्यू ई से कितनी हो गई, 4E हो गई। तो एक बात बताओ, मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, 2m इंटू एनर्जी, यही होता है ना। तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, जब एनर्जी ई है, जब 4E है तो फाइनल मोमेंटम कितना है, 2m इंटू कितना, 4E। क्या स्टेप क्लियर है, एनर्जी ई से 4E होगी, मोमेंटम P1 से P2 हो गया, और आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये आपको निकालना है। तो आपको P1 पता है, P2 पता है, पुट करके आंसर निकालो, 4E कैसे हो गया, परसेंटेज इंक्रीज 300% है ना एनर्जी का। मैंने क्या बताया, अगर एनर्जी ई से 2E हो जाए 100%, 100% इंक्रीज हो गया, एनर्जी अगर ई से डबल हो जाए 2E तो कितना इंक्रीज हो गया, 100%, 100% का होता है डबल, 200% का मतलब 3E, 300% का मतलब 4E, ऐसे ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, हो जाएगा सॉल्व ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, बॉडी जिसका मास 0.3 kg है, 0.3 kg है, इज टेकन अप इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर लेके जा रहे हैं, लेंथ कितनी है इंक्लाइन प्लेन की, 10 मीटर, हाइट कितनी है 5 मीटर, एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन, ठीक है। तो बॉडी को ऊपर लेके गए, छोड़ दिया, बॉडी वापस नीचे आ गई, राइट। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है इसमें, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो कई तरीके के वर्क डन पूछेगा, उसने इस बार क्या पूछा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अब कौन सी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है, mg sin θ, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है, तो ये फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। जब आप इस बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं तो mg sin θ चाहती है बॉडी नीचे आए, लेकिन आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव भैया, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो, तो पहला वर्क डन क्या होगा, -mg sin θ इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एल। ये कौन सा वर्क डन है, ऊपर लेके जाने का वर्क डन है, और जब बॉडी नीचे आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव है, कितना, mg sin θ इंटू एल पॉजिटिव। तो ऊपर जाने में -mg sin θ इंटू एल, नीचे आने में mg sin θ इंटू एल, तो टू एंड फ्रो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, ऊपर जाके नीचे आने का दोनों को ऐड कर दें तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा इसमें, 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ रहा है सबको। पहले हम जब ऊपर लेके जा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी तो वर्क डन नेगेटिव, जब नीचे लेके आ रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव, ठीक हो गया यहाँ तक। फिर अगला पार्ट है, वट इज वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड जर्नी, अप्लाइड फोर्स। अब आप मुझे सिर्फ ये चीज़ बताएं कि जब आप ऊपर इस बॉडी को लेके जा रहे हैं और एक्सेलरेशन लेने को उसने बोला ही नहीं है, हम नहीं लेंगे, तो जब आप अप्लाइड फोर्स ऊपर अप्लाई करते हैं तो किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, mg sin θ, और फ्रिक्शन भी कहाँ काम करेगी, नीचे। और अगर आपको एक्सेलरेट नहीं करवाना तो अप्लाइड फोर्स क्या है, mg sin θ + Fk। तो ये आपकी अप्लाइड फोर्स है, और इनटू डिस्टेंस कर दिया तो क्या आ गया, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, में अप्लाइड फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर लगेगी ना, कैसे लगेगी ऊपर, कैसे होगी,
ओके, अप्लाइड फोर्स कहाँ है? ऊपर. डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर ऊपर ऊपर. एंगल जीरो. नहीं 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 मैं इस फोर्स का वर्कडन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये ऊपर है, मैं इसका नहीं कर रहा. इसका ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्कडन पॉजिटिव. हाँ तो मैंने लिया ना, नीचे लिया. अब मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ क्या है, इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल है. तो इसका रोल थोड़ी ना है, मेरे को तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये वैल्यू आ गई इनके सम के इक्वल, लगेगी तो ऊपर. मैं इनके साथ थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ. क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन राउंड ट्रिप. आने और जाने में एक बात बताओ, जब मैं बॉडी को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ है? नीचे. और जब मैं नीचे लेके आ रहा हूँ फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर. फ्रिक्शन का वर्क डन कभी पॉजिटिव होता ही नहीं, फ्रिक्शन का वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव. तो जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो भी नेगेटिव, जब नीचे लेके आ रहे हो तो भी नेगेटिव. नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, दोनों को ऐड कर दो आंसर. क्या ये स्टेप क्लियर है? और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो आपको निकालनी आती है, म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा. क्या ये स्टेप क्लियर है? और लास्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप. अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट द एंड ऑफ द ट्रिप. ये देखो, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट द एंड ऑफ द ट्रिप, ठीक है, तो इसमें देखो मैं क्या करूंगा. ध्यान से देखना प्लीज. ये आपकी बॉडी है, यहां से चली थी u इज इक्वल टू क्या? जीरो. अगर मैं आपको v बता दूं तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे नीचे आने की. अब v निकालने के लिए दो तरीके हैं. पहला फोर्स का एम जी साइन थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काट करेगी नीचे. तो मैं इस बॉडी की नीचे आने की क्या निकाल लूंगा? एक्सेलरेशन. कैसे? एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आ गई. आपको डिस्टेंस एल पता है, आप अप्लाई करो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज टू इंटू एक्सेलरेशन इंटू एल. तो ये एक्सेलरेशन पुट करके क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर. वी स्क्वायर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. एक तरीका है. क्या ये पॉइंट क्लियर है? वही पुराना फोर्स का तरीका, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर वहां से वी निकाल लो, वी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लो. एक मेथड, कोई डाउट इसमें? दूसरा मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जबकि इनिशियल एनर्जी क्या है इसकी? जीरो. तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं फाइनल, तो मैं क्या निकाल दूं? वर्क डन बाय नेट फोर्स. अब नेट फोर्स क्या है? नीचे की फोर्स यानी कि एम जी साइन थीटा माइनस ऊपर की फोर्स, ये क्या है इसकी? नेट फोर्स. इसको अगर आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधा आपके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी. आपकी मर्जी है, आप ये यूज करना चाहें एक्सेलरेशन निकाल के तो भी सही है, आप सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो भी सही है, एक ही बात है. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?